राजधानी भोपाल में नशे की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। 900 किलो एमडीएमए बरामद किया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजधानी भोपाल में नशे के अड्डे पर दबिश दी गई है। नशे की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। 1800 करोड़ की कीमत के 900 किलो एमडीएमए बरामद हुए हैं। 1800 करोड़, 1800 करोड़ के ड्रग्स को जब्त किया गया है। राजधानी भोपाल में ही ये ड्रग्स बनाए जा रहे थे। 900 किलो एमडीएमए बरामद हुआ है। जहां ड्रग्स के बदले कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है, वहां पर विस्तार न्यूज की टीम पहुंची हुई है। विस्तार न्यूज के रिपोर्टर वहां मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की ड्रग्स बरामद हुई है, एमडी बरामद हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी एटीएस गुजरात के साथ मिलकर इस पूरी ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और फैक्ट्री में उन्होंने रेड मारी। यहां पर ड्रग्स बनाई जा रही थी। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन यह बहुत बड़ी कार्रवाई है। इस पूरी कार्रवाई में याद दीजिए, गौर करने वाली बात है कि एनसीबी गुजरात एटीएस की टीम, ये दोनों ने मिलकर काम किया है और पुलिस को इससे दूर रखा है। 900 किलो एमडीएमए बरामद किया गया है। राजधानी भोपाल में यह बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। कटारा हिल्स में एक निजी फैक्ट्री पर छापा मारा गया। इस पूरे छापेमारी कार्रवाई से पुलिस को दूर रखा गया है। एनसीबी और गुजरात एटीएस ने मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई की और इस कार्रवाई के पीछे भी कहानी है। गुजरात के सूरत में जुलाई में कार्रवाई की थी एटीएस ने, गुजरात एटीएस ने, तो वहां पर भी 50.5 करोड़ के ड्रग्स को जब्त किया गया था। उसके बाद उसके तार मध्य प्रदेश से जुड़े, फिर यहां पर दबिश दी गई फैक्ट्री से 1814 करोड़ की एमडी को बरामद किया गया है। दिल्ली एटीएस, एनसीबी और गुजरात एटीएस की टीम ने यह कार्रवाई की है। पूरी कार्रवाई से राजधानी की पुलिस को दूर रखा गया है। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह बहुत बड़ी कार्रवाई है। राजधानी भोपाल में, भोपाल के बागरोदा इंडस्ट्रियल एरिया में यह कार्रवाई हुई है। यहां पर एक बंद पड़ी फैक्ट्री थी और इसी फैक्ट्री में ये पूरी जो वारदात है उसको अंजाम दिया जा रहा था। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी ट्वीट किया है। इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी है। लेकिन राजधानी भोपाल में ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। एनसीबी और गुजरात एटीएस की टीम ने एक बहुत सफल कार्रवाई करते हुए 900 किलो एमडी को बरामद किया है। नशे की फैक्ट्री में क्या कुछ बरामद हुआ है ये जान लीजिए। 907 किलो एमडी बरामद किया गया है और इस एमडी ड्रग्स की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितनी है? 1800 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। करीब 5000 किलोग्राम ड्रग्स बनाने की जो सामग्रियां होती है उसको भी इस फैक्ट्री से बरामद किया गया है। ग्राइंडर्स हो जाए, मोटर्स हो जाए, ग्लास फॉक्स हो जाए, चाहे हीटर्स, ये तमाम वो उपकरण है जिसके सहारे की इसको बनाया जाता है, इनको भी बरामद किया गया है। तमाम उपकरण भी बरामद हुए हैं। तो बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। अब जान लीजिए ये ड्रग्स बनाया कहां जा रहा था। राजधानी भोपाल में किस जगह ये ड्रग्स बन रहा था? भोपाल में एक बंद फैक्ट्री थी, वहीं पर ये नशे का कारोबार चल रहा था। भोपाल के बागरोदा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री थी, उसी फैक्ट्री में ये काम चल रहा था। वहां पर कार्रवाई की गई है, दबिश दी गई है। 6 महीने पहले आरोपियों ने इन फैक्ट्री को किराए पर लिया था। 3 से 4 फैक्ट्रियां हैं ये, 6 महीने पहले किराए पर लिया गया था। 3 से 4 फैक्ट्री, सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, 3 से 4 फैक्ट्रियां थी जहां पर की ड्रग्स को बनाया जा रहा था। और रोज आप ध्यान दीजिए, रोज 25 किलो एमडी बनाए जा रहे थे इस फैक्ट्री में। यानी कि आपके बच्चों के भविष्य को खराब करने की पूरी रणनीति इस फैक्ट्री में तैयार हो रही थी। तो भोपाल ड्रग्स केस में जो है एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर 900 किलो एमडी पकड़ाया गया है और इसके तार गुजरात से जुड़ रहे हैं। विस्तार न्यूज की टीम मौके पर पहुंची हुई है, मौके का जायजा लिया है। हमारे संवाददाता विवेक पांडे ने, देखिए वो फैक्ट्री कौन सी है जहां पर कि नशे का ये कारोबार चल रहा था। आपने विश्व के सबसे बड़े ड्रग्स कार्टल पाब्लो एस्कोबार का नाम तो सुना ही होगा। राजधानी के भोपाल में पाब्लो एस्कोबार की तरह ही एमडीएमए बनाने का काम चल रहा था। ये वही फैक्ट्री है जिसे गुजरात एटीएस और एनसीबी दिल्ली ने क्रैक डाउन करते हैं। फैक्ट्री में छापेमारी की और यहाँ से करीब 5000 किलो एमडीएमए के रॉ मटेरियल बरामद किए गए। एमडीएमए का मतलब है मेथाडोन और ये सबसे ज्यादा हैवी ड्रग्स की श्रेणी में आता है। इसकी इंटरनेशनल मार्केट
1814 करोड़ रुपए है, यानी कि इसकी बड़ी संख्या में राजधानी के इसी फैक्ट्री में बनाने का काम चल रहा था गुजरात एटीएस ने और एनसीबी दिल्ली ने। यहां से प्रकाश चतुर्वेदी भोपाल के रहने वाले को गिरफ्तार किया है और साम्याल प्रकाश बाने यह है महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह करीब पाँच साल बाद छूटा था और साल 2019 में मुंबई के अंबोली स्टेशन से एमडी के साथ पुलिस ने इसे जब्त किया था। वो 5 साल बिता चुका और रिहाई के बाद वह अपने दोस्त अमित चतुर्वेदी के साथ यहां पर मिलकर एमडी बनाने का काम करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि साजिश रचकर, और सबसे बड़ी बात है कि पैसे कमाने के लिए ये इतनी बड़ी संख्या में ड्रग्स बनाया गया। तमाम सारे दोनों आरोपी बड़ी संख्या में बकायदा प्रोडक्शन सिस्टम लगाकर एमडी का उत्पादन करते थे और इससे करोड़ों रुपए कमाने की इनकी पूरी प्लानिंग थी। हालांकि गुजरात एटीएस के सामने बड़ी चुनौती ये भी है कि आखिर इनके पास रॉ मटेरियल कहां से आता था, क्योंकि एमडी में बनाने के लिए ना तो फर्टिलाइजर की इनके पास कमी थी, सबसे बड़ी कमी थी कोकीन की। कोकीन कहां से आता था, गुजरात एटीएस और एमपी पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बहरहाल मध्य प्रदेश में शांति का टापू है और इसी शांति का टापू का फायदा उठाकर गुजरात से बकायदा ये आरोपी रॉ मटेरियल लेके आते हैं जिसमें कोकीन तक शामिल था। हालांकि एमपी पुलिस के सामने ये चुनौती है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जब एमडी बनाया जा रहा था तो आखिर पुलिस को गलत क्यों लगी, ये एनसीबी भी मध्य प्रदेश पुलिस से पूछेगी। बहरहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कई ऐसे सवाल अभी भी खुलासे में निकल के सामने आएंगे, पूछताछ में कई खुलासे होंगे जिसके जरिए इस बड़े ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश होगा। कैमरामैन राकेश मकोरिया के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज भोपाल। तो जहां पर जिस फैक्ट्री में आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ा जा रहा था, जहां पर कि एमडी ड्रग्स बनाया जा रहा था, जिसका पर्दाफाश हुआ है, वहां पर विस्तार न्यूज की टीम पहुंची हुई है। विवेक पांडे सीधे फैक्ट्री से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक द्विवेदी हमारे सहयोगी राजधानी भोपाल कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक सबसे पहले आपके पास आऊंगा मैं, ये बहुत बड़ी खबर है, चौंकाने वाली है, हतप्रभ करने वाली और परेशान करने वाली भी है, क्योंकि राजधानी भोपाल में 900 किलो एमडी थी, एक फैक्ट्री में एमडी बनाई जा रही थी, किसी को कानो कान खबर नहीं थी, अचानक से कार्रवाई हुई, गुजरात एटीएस यहां पहुंचती है, एनसीबी पहुंचती है, पुलिस को दूर रखा जाता है, 900 किलो ड्रग्स बरामद हुआ। विवेक एनसीबी पिछले 2 दिनों से इसी इलाके में डेरा डाले हुए थे, कल देर शाम यहां पहुंची और देर शाम कार्रवाई करते हुए यहां पे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी भोपाल से गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि भोपाल में इतनी बड़ी संख्या में मेफ्रोडॉन नाम के ड्रग्स को बनाना, ये एक पुलिस का बड़ा फेलियर है, क्योंकि आसानी से यहां पे करीब 4 से 5 महीने से यहां पे ड्रग्स बनाए जाते थे। आपको एक तस्वीर दिखा दे रहा हूं सूरज, ये वही फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है जहां पर ड्रग्स बनाने का काम किया जा सकता है। आप देख सकते हैं केमिकल की यहाँ पे बोतलें रखी हुई है, फैक्ट्री के अंदर बड़ी मात्रा में अभी भी ड्रग्स रखा हुआ है और किस तरीके से ड्रग्स को प्रोडक्शन किया जाता है, सारी मशीनें अभी भी इंस्टॉल है और एटीएस के जो अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि कल तक इस पूरे ड्रग्स को हटा लिया जाएगा और इसके बाद जांच फॉरेंसिक के लिए भेज दी जाएगी। लेकिन प्राइमा फेसी फॉरेंसिक की जांच में ये खुलासा हुआ कि मेफ्रोड्रोन नाम के ड्रग्स को यहाँ बनाया जाता था और करीब 5000 किलो रॉ मटेरियल भी यहाँ से बरामद हुआ है। और जो गुजरात ऑफिशियल्स की तरफ से कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो इनपुट निकल के आया था इस पूरे ड्रग्स मामले को लेकर, वो मुंबई से निकल के आया था, मुंबई के डोगरी से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, इसके अलावा गुजरात से एक संदिग्ध को उठाया था, जिसने ये बताया कि भोपाल के बगरोदा में बड़े मात्रा में कोकीन की डिलीवरी हुई है और यहीं से देश और राज्य पूरे देश भर में ड्रग्स को सप्लाई किया जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहां से कई सैंपल दूसरे राज्यों में भेजे गए जहां से इतनी बड़ी संख्या में डिमांड आई और इसी कंपनी किराए की इसी कंपनी में इसी फैक्ट्री में लेकर किराए से ये ड्रग्स बनाते थे। और फिलहाल 2 आरोपी बोला जा रहा है विवेक, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 से 4 फैक्ट्रियां थी, बताया जा रहा है 1 फैक्ट्री नहीं, 3 से 4 फैक्ट्रियों में ये काम चल रहा था। देखिए अभी तक जानकारी जो भारत सूरज निकल के सामने आई है और एटीएस के लोगों ने कंफर्म किया कि भोपाल की इकलौती बगरोदा की फैक्ट्री थी, हालांकि कच्चा माल गुजरात से आता था और मुंबई के दो लोग इसमें ऑल इन्वॉल्व थे, जो बहुत सारी चीज़ें यहां पे लेकर आते थे और लगातार मध्य प्रदेश की इसी बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया में जो फैक्ट्री है किराए की फैक्ट्री में रहते थे और दो लोग यहां पे हमेशा प्रोडक्शन करते थे, एक व्यक्ति रात को। ठीक है, चलते हैं दीपक द्विवेदी से, थोड़ा दीपक द्विवेदी के पास चलते हैं। विवेक रोक रहा हूं दीपक, राजधानी भोपाल में ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, राजधानी में क्या कुछ हलचल है पहले तो ये बताइए, साथ ही इस पर भी बात कीजिए कि पुलिस को इससे क्यों दूर रखा गया।
जी बता दूं कि पूरे मामले से पुलिस को इसलिए दूर रखा गया क्योंकि ये पूरा मामला सीक्रेसी तरीके से यहाँ पर किया जा रहा था। यदि लोकल पुलिस इन्वॉल्व होती तो कहीं ना कहीं इन आरोपियों को फायदा मिलता और हो सकता है कि मुखबरी हो सकती थी, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हम भी इसके ऊपर नजर बनाए हुए थे कि यहाँ पर ड्रग्स बनने का काम चलता है। जब उन्हें सूचना मिलती है तो यह उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या वह भोपाल पुलिस या MP पुलिस इसका इंतजार कर रही थी कि बाहर से जो टीमें हैं नारकोटिक्स की टीम आकर यहाँ पर कार्रवाई करे? फिलहाल दोनों जो पकड़े गए आरोपियों को उन्हें भोपाल पेश न्यायालय में पेश किया गया। अभी हम न्यायालय पे मौजूद हैं और आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर जो जज है अभी इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहे हैं और यह बताया भी जा रहा है कि हो सकता है कि 7 दिनों की रिमांड NCB की टीम ATS की टीम मांगे और उसके बाद कार्रवाई के लिए इन्हें अलग अलग स्थान पर ले जाया जाए, गुजरात और दिल्ली जो है वहाँ पर इन्हें ले जाया जाए। ये उनके गाड़ी खड़ी हुई है जहाँ हम मौजूद हैं, इसी वाहन से उन्हें लेकर वहाँ से आए हैं। ये गुजरात पासिंग गाड़ी है और आप ये देख सकते हैं इस पर पुलिस का जो लाइटिंग है वो लगी हुई है, सिग्नल लगा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि लगातार जो गुजरात की टीम इनकी मॉनिटरिंग पिछले 3 से 4 महीने से कर रही थी, जब से इन्हें क्लू मुंबई से मिला था। और अमित चतुर्वेदी की बात करें तो पूर्व में भी इसी तरीके के गोरख धंधे में लिप्त था और मुंबई में बंद भी था और हो सकता है कि उसी जेल में इन सब की आपस में पहचान हुई हो। आपके पास आऊंगा, बड़े स्तर पर करने का। लेकिन विवेक और दीपक दोनों को रोक रहा हूं, पहले सुनवा देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर DCP संजय कुमार अग्रवाल से जो बातचीत हुई है क्या कुछ कहा उन्होंने। सर, बगरौदा में बड़ी मात्रा पे ड्रग्स पकड़ाया गया है, गुजरात ATS और NCB ने कार्रवाई की है, क्या कहेंगे? हम बधाई देंगे NCB को और हमने पूरा सहयोग किया है और हमारी जानकारी में है, स्थानीय लेवल पे जो भी हमसे बन पड़ सकता था हमने किया। मध्य प्रदेश पुलिस को सूचना नहीं दी गई? सूचना हमको है, जब कोऑर्डिनेशन की बात होती है देश के गृह मंत्री कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं मल्टी एजेंसी टास्किंग के साथ, लेकिन ये फेल्योर आप समझते हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई? नहीं, ये फेल्योर नहीं है, हमारी जानकारी में है कि यह टीम आई हुई है और हम उन पे जो भी सहयोग की आवश्यकता है हम उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री से बहुत कुछ बरामद हुआ है, चौंका देने वाली चीजों को यहां से बरामद किया गया है, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जो 51 करोड़ के सामग्रियों को जब्त किया गया था गुजरात में वो राजधानी भोपाल आते आते 1000 करोड़ में बदल जाएगा। यहां पर कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री से जो कुछ भी बरामद हुआ है उन सब की तस्वीर विस्तार न्यूज के पास है। हमारे संवाददाता विवेक पांडे ने जायजा लिया उस जगह का, देखिए। करीब 5 अक्टूबर को गुजरात ATS और NCB की टीम यहाँ बगरौदा पहुँची है। बगरौदा की ये जो फैक्ट्री है जहाँ पे करीब 5000 किलो यहाँ पे MDMA बनाने का सामान जो है वो यहाँ बरामद हुआ। फैक्ट्री के भीतर की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बकायदा फ्लास्क से लेकर तमाम सारे ऐसे उपकरण हैं जिससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ये वो तस्वीर अंदर की दिखा देता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फैक्ट्री में किसी का बोर्ड नहीं लगा हुआ है और जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो कोई AK सिंह के नाम पर यह फैक्ट्री है, भरत नगर भोपाल में रहते हैं, और करीब 7 महीने पहले इस फैक्ट्री को किराए पर दिया गया था। और यहाँ पे ये जो आसपास के लोग, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि करीब यहाँ पे 48 घंटे तक गुजरात ATS और NCB की टीम यहाँ मौजूद रही और यहाँ से करीब 814 करोड़ रुपए की इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत है MDMA यहाँ से बरामद किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश पुलिस के किसी भी अधिकारी को यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है। अब इन तमाम आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो एक बात निकल के सामने आ रही है, गुजरात के कुछ ऑफिशियल से हमने बात की, उन्होंने कहा कि गुजरात से एक व्यक्ति को पकड़ा गया था और उसके पास भारी मात्रा में कोकीन बरामद हुआ था और उसके बाद हमने उससे इंटरोगेशन शुरू की गई और इंटरोगेशन के बाद दौरान ये बात निकल के सामने आई कि गुजरात से मध्य प्रदेश में कोकीन भेजी जा रही है, जिसके बाद MP ATS को बिना सूचना दिए गुजरात ATS अपने हैंडल पर काम करते रही और NCB को इस पूरे मामले में भरोसे में रखा। NCB दिल्ली की टीम इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करती रही और आखिर थ्रू एक बड़ा ब्रेक थ्रू भोपाल के बगरौदा में स्पॉट हुआ। भारी मात्रा में ड्रग्स को पकड़ा गया है, हमारे सहयोगी विवेक पांडे ने देखा होगा आपने किस तरीके से हर एक खबर हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जद्दोजहद की है। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि MDMA आखिर होता क्या है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सी अफवाहें और बहुत सी चीजें चलते रहती हैं। देखिए MDMA का पूरा नाम होता है मिथाइल एनेडियोक्सी मेथाफेटामाइन, ये जो है मोती और मैंडी जैसे नामों से भी जाना जाता है, जो लोकल मार्केट होते हैं वहां पर मौली और मैंडी जैसे नामों से भी MDMA को जाना जाता है। ये करता क्या है? उत्तेजक और मति भ्रम के रूप में ये काम करता है, ये दिमाग को आपके पागल कर सकता है।
उत्तेजक के रूप में यह एमडीएमए का ड्रग काम करता है। इसका उपयोग बहुत खतरनाक होता है, यह आपके सोचने और समझने के तरीके को बदल सकता है। सबसे पहले 1980 में इसे स्ट्रीट डॉग के रूप में लोकप्रियता मिली थी, स्ट्रीट ड्रग। ये यहां पर जो विदेशों में वेस्ट कंट्रीज में ये गली नुक्कड़ों में ये ड्रग्स बिका करता था, केमिकल्स से बनता ये ड्रग्स। 30 से 45 मिनट में ही ये आप पर असर कर देता है, आपके सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है और आपके शरीर में इस ड्रग्स की 3 से 6 घंटे तक असर बना रहता है। तो केमिकल ड्रग्स को लेकर हमारे संवाददाता ने एक्सपर्ट से भी बातचीत की है, मामले को लेकर क्या कुछ कहना है एक्सपर्ट का, वो सुनवाते हैं आपको। ये लैब में बनाई जाती है, पाउडर फॉर्म में बनती है लैब में, और अलग अलग केमिकल्स यूज करके फिर इसको बनाया जाता है। सेवन इसका पानी में मिला के भी होता है, चूरा करके और नाक से सूंघते भी हैं, चाट भी लेते हैं, इन तरह से इसका सेवन हो सकता है। आजकल तो यूट्यूब पे सबकी रेसिपी है, तो लोकल भी लोग बना लेते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज है, नहीं तो विदेश से भी आता है और पार्टी वाली जगहों पे विशेषतर पाया जाता है। दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, विवेक पांडे और दीपक द्विवेदी हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं। विवेक फैक्ट्री से सीधे लाइव है। विवेक, ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, हमने सब कुछ बहुत तफसील से बताया, लेकिन आप जरा मुझे एक चीज बताइए, आपने बातचीत की थी यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों से भी, उनको बिल्कुल ही इस बात की भनक नहीं लगी और गुजरात ईटीएस की टीम और एनसीबी ने छापेमार कार्रवाई की है, 900 किलो एमडीएमए बरामद हुए हैं, ये नहीं लगता है कि ये विफलता है यहाँ के पुलिस की? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ के थाना प्रभारी को निलंबित कर देना चाहिए था। ये अभी तक कार्रवाई पुलिस की तरफ से क्यों नहीं की गई, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में, अगर इसी क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में एमडी जैसा ड्रग्स बनाया जाना जो कि युवाओं के भविष्य के साथ एक बुरी तरीके से खिलवाड़ करने ऐसा है, और सबसे ज़्यादा महंगे ड्रगों में से शुमार है ये एमडीएमए, और इसके बाद भी गुजरात पुलिस आती है, एनसीबी दिल्ली को यहाँ कैंप करना पड़ता है, लेकिन 4 से 5 महीने तक ये फैक्ट्री संचालित रहती है। और एक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि इससे इस फैक्ट्री के सीधे सामने एक फैक्ट्री और है जो मशीनरी बनाती है, और इसमें जो प्रोडक्शन करने वाली जो मशीनरी लगी हुई है, सबसे पहले फैक्ट्री जब किराए पर ली गई तो आरोपियों ने सामने वाली फैक्ट्री से ये कहा कि उनको कुछ मशीनरी बनानी है, लेकिन 1 से 1.5 महीने के भीतर ही मशीनरी बनकर तैयार हो जाए ऐसी वो गारंटी दे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद इन्होंने दूसरे राज्य से फैक्ट्री बुलवाई, वो मशीनरी बुलवाई, और मशीनरी के जरिए ही एमडीएमए जैसा ड्रग बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है कि कार्रवाई की जरूरत है, आपकी बात बिल्कुल सही है, पुलिस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनके संज्ञान में ये चीजें नहीं थी। दीपक द्विवेदी के पास चलते हैं, भोपाल कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, वहां पर क्या कुछ हलचल है, वहां पर पेशी के लिए उनको रखा गया है, अभी पेश होना है, क्या उनको लेकर गुजरात एटीएस अपने साथ गुजरात लेकर जाने वाली है या यही होगा? जी बता दूं कि भारत सूरज यदि हम बात करें तो इनका ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा और दिल्ली, गुजरात, मुंबई, अलग अलग जगहों पर इन्हें ले जाकर पूछताछ किए जाने की बात की जा रही है, और इसके अलावा 7 दिन की रिमांड जो है एटीएस की ओर से, एनसीबी की ओर से मांगी जा रही है। यह देखना होगा कि आखिरकार इन्हें 7 दिन की रिमांड मिलती है या नहीं, ये तो कुछ देर में इसका खुलासा हो जाएगा। फिलहाल यदि हम बात करें बीते कल की, तो कल एक जरूर वहां पर हलचल हुई थी जब वहां के रहवासियों ने एक बड़ा अपडेट भोपाल पुलिस को दिया था कि वहां पर कुछ लोग बंदूक लेकर घूम रहे हैं, और डायल 100 पर उन्होंने यह सूचना दी थी। उस दौरान मौके पर डायल 100 जब कल पहुंची तब उन्हें पता चला कि कोई बाहर से पुलिस की टीम आई और वहां पर कार्रवाई कर रही है, और लगातार यदि भोपाल पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखती तो हो सकता है कि इतनी बड़ी चूक भोपाल पुलिस या मध्य प्रदेश पुलिस से न होती, और वही कारण है कि आज अब उन्हें इस स्थिति पर लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि यह हमेशा जब एमडी जैसे ड्रग्स, एमडीएमए जैसे ड्रग्स पकड़ते थे तो मुश्किल से 4 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम, पर इन्हीं के नाक के नीचे करीब 907 किलो ड्रग्स बनाया जा रहा था और पुलिस को जरा सी भी भनक नहीं थी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब उसका क्या तार है यह तो एनसीबी और एटीएस दिल्ली और जो गुजरात की टीम है, हो सकता है मध्य प्रदेश से भी पुलिस। बड़ी जानकारी आपने भी दी है कि 7 दिनों की न्यायिक रिमांड मांगी गई है दोनों आरोपियों की, हालांकि देखना होगा कि अब क्या सुनवाई होती है इस पर। लेकिन बहुत शुक्रिया विवेक पांडे का, आपने तमाम तस्वीरों को बहुत सलीके से विस्तार से रखा है। दीपक, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी साझा की है सीधे कोर्ट के बाहर से। तो ये बहुत बड़ी
वारदात घट रही थी राजधानी भोपाल में, यहां पर ड्रग्स बनाया जा रहा था, 900 किलो ड्रग्स को पकड़ा गया है। विस्तार न्यूज के सहयोगियों ने आप तक सीधे तस्वीरें पहुंचाई है, हर एक खबर हर एक जानकारी पुख्ता तरीके से पहुंचाई है। फिलहाल इस कार्यक्रम में मुझे यही इजाजत दीजिए।